7 मार्च 2024 का इंग्लिश का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो कक्षा 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो को अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 7 मार्च 2024 को इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ कर आओगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ जो आपके 7 मार्च को आने वाला है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर रोल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, यहां पर नामांक लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है। तो इस वाले बॉक्स में आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है और उसके बाद में देख सकते हैं आप सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 और इंग्लिश का ये पेपर है प्यारे बच्चों, जो आपके 7 मार्च को होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं और टाइम है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क है 80। तो 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से 7 मार्च इंग्लिश के पेपर में ला सकते हैं। आपको ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इस पेपर को हम पूरा इस वीडियो के अंदर आपको उत्तर सहित बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आप देख सकते हैं, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये पैसेज का क्वेश्चन दिया गया है आपको। और पैसेज वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आप करेक्ट है वो दे सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इज द एरेस्ट वाइल मद्रास स्टेट। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। ओके, तो ये पूरा जो आपको दिया गया है कंप्लीट पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। और पैसेज को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों, इसमें आपको प्रश्न संख्या एक आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। ओके, तो यानी इसमें इस राइटर के जो फादर हैं उनके आपको नाम पूछे हैं, तो उनके नाम क्या हैं वो आप देख सकते हैं, माय फादर जैनुलाब्दीन। यानी इसमें ए ऑप्शन में आपको जैनुलाब्दीन दे रखा है, बी में आपको अरविंदन दे रखा है, सी में आपको शिव प्रकाशन दे रखा है, डी में आपको रामानंद दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि द राइटर्स हाउस वाज बुल्ट इन द मिडल क्लास ऑफ द सेंचुरी। तो इसमें ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं और बी में आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन है। ओके, यानी आपको 6 क्वेश्चन इस पैसेज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि द ऑथर्स चाइल्डहुड वाज ए वेरी सेक्रेड चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है आपके मेंटली, और बी में दे रखा है आपके इमोशनली, और सी में आपके दे रखा है फाइनेंशियली, और डी में आपके फिजिकली दे रखा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि द राइटर वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ। तो इसमें ए में दे रखा है आपके होसाली, और बी में आपके पुणे, और सी में आपके रामेश्वरम, और डी में आपके चित्तौड़गढ़। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि हु इज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर।
यानी हु इज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। तो इसमें ए ऑप्शन में आपको दे रखा है राइटर्स मदर, और बी ऑप्शन में दे रखा है राइटर्स सन, और सी में दे रखा है राइटर्स फादर, और डी ऑप्शन में दे रखा है राइटर्स अंकल। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके कि राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। तो ए ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें दे रखा है रिचनेस, और बी ऑप्शन जो सेकंड है आपके इसमें नेचुरल दिया गया है। तो इन दोनों में जो सेम वर्ड है इस पैसेज से वो आपको इसमें बताना है, एक तो रिचनेस है और एक है नेचुरल। उसके बाद में है प्यारे बच्चों सेकंड पैसेज आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको ये पैसेज दिया गया है, पहले इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आराम से दे सकते हैं, और इस वाले पैसेज में आपको टोटल 9 क्वेश्चन हैं वो पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो आप देख सकते हैं कि वेयर वाज द ऑथर स्लीपिंग, यानी जो लेखक है वो कहाँ सो रहे थे, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दैट नाइट आई ऑथर वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम और व्हेन आई वक अप इन द मॉर्निंग। ओके, यानी यहां से लेकर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर यहां तक प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ऑथर फाइंड व्हेन ही वेक अप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप इस पैसेज में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि What did never occur to author? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसमें पैसेज में से ढूंढना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि What did the second brother want from the speaker? और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि How can you say that the speaker was emotional? और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि What type of relation does the speaker have with his elder brother? और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि to which brother had the speaker given his share? और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि find from the passage the word which means old and turn। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि find from the passage the opposite of hot, यानी hot है उसका आपको opposite बताना है, hot का मतलब होता है गर्म, अब इसका विलोम क्या होता है ठंडा। तो एक ऐसा वर्ड आपको इस पैसेज में से ढूंढना है जिसका अर्थ ठंडा होता है। ओके, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है प्यारे बच्चों, सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यू आर जारा लिविंग इन पुणे, यानी आप जारा हो और आप पुणे के अंदर रह रहे हैं। योर फ्रेंड यानी आपके मित्र राधा हैज वॉन ए गोल्ड मेडल और इन द स्टेट इंग्लिश डेबिट कंपटीशन और राइट ए लेटर। ओके, यानी उसको बधाई देने के लिए आपको पत्र लिखना है, यानी आप जा रहे हैं, आप पुणे के अंदर रह रहे हैं और आपके जो मित्र हैं उनका नाम है राधा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें जीता है, स्टेट इंग्लिश डेबिट कंपटीशन में। ओके, तो उसको बधाई देने के लिए आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। प्यारे बच्चों अगर आपको ये लेटर लिखना नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला कर सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि योर स्कूल टीम इज गोइंग टू प्ले ए डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंग PRINGSSS@gmail.com, ये आईडी दे रखी है, जीमेल आईडी जो आपको 2 के अंदर लिखनी है। आस्किंग हिम टू इश्यू योर टीम ए न्यू गेम्स किट और यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी आपको उस टीम का कप्तान बनाया गया है, कैप्टन बनाया गया है। तो ये आपके ईमेल है और ये आपके लेटर है, दोनों में से एक आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि राइट ए स्टोरी विद
विद द हेल्प ऑफ गिविन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो प्यारे बच्चों ये आपकी स्टोरी है, ए गुड बॉय फॉल्स इन बैड कंपनी डिसओबे फादर एडवाइस टू सन एल इन वेन डिसाइडेड टू टीच ए लेसन। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं ये स्टोरी किस पर है, ये कंप्लीट स्टोरी आपको लिखनी है, टाइटल लिखना है, मोर लिखना है और अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको स्टोरी दिया गया है, यानी दोनों स्टोरी है आपके, दोनों में से एक स्टोरी आपको बनानी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट ए पैराग्राफ, यानी आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में आपको निबंध लिखना है ऑन द इवेंट सो इन द पिक्चर, यानी आपको एक पिक्चर दिया गया है, एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है कि ये किस पर है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं किस पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो पिक्चर है ये किस पर है, किस पर निबंध आपको पूछा है ये आपको कमेंट करके बताना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि राइट ए पैराग्राफ, अगर आपको ये वाला पैराग्राफ नहीं आ रहा है पिक्चर वाला तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आपको दिया गया है टॉपिक की किस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है ऑन एनुअल डे फंक्शन, यानी वार्षिक उत्सव एनुअल डे फंक्शन पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड में। उसके बाद में है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपको प्यारे बच्चों ग्रामर से रिलेटेड दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको सही क्रिया है वो फिल करनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि माय ब्रदर स्लीप नाउ, तो इसमें आएगा माय ब्रदर इज स्लीपिंग, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें आप इज स्लीपिंग का प्रयोग करेंगे, यानी इज स्लीपिंग आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। सेकेंड है श्याम स्लीप्ड आफ्टर ही टेक हिज फूड, तो देखिए आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें हैड लिखना है आपको और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी हैड टेकन। और तीसरा है आपके सी ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, तो इसमें एस लगेगा। और क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 4 है आपके कि सी गो टू कोटा बाय टुमारो, ओके, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही क्रिया आएगी, इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो ये आपको फिल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं और दोनों को आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, दोनों को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। और इसमें फर्स्ट है आपके कि मनोज सेड डिड यू लाइक द मूवी, ओके, यानी मनोज ने कहा डिड यू लाइक द मूवी, क्या आप ये मूवी देखना पसंद करेंगे। और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है कि सी सेड टू द टीचर और प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, और उसके बाद में यानी दो सेंटेंस इसमें दिए गए हैं, दोनों को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो इसमें आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, दोनों में सही आपको फिल करना है। फर्स्ट है आपके टीचिंग स्टूडेंट्स माय हॉबी, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें आर आएगा, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है। और आइदर हैरी और हिज ब्रदर्स टेकन माई पर्स, तो इसमें हैज आएगा या फिर हैव आएगा, ये आपको फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर नो है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये दो सेंटेंस आपको इसमें दिए गए हैं और दोनों सेंटेंसेज को प्यारे बच्चों आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ओके, चेंज करना है, एक्टिव वॉइस आपको दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो फर्स्ट है कि हैरी ड्रोव ए कार,
तो ये प्यारे बच्चों ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है, ये पास्ट सिंपल का है। ओके, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट यानी एक कार, उसके बाद में वाज, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ड्राई वेन। ओके, उसके बाद में बाई का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है यानी हरी। सेकेंड है आपके कि द चाइल्ड वाज ईटिंग ए मैंगो, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इसमें फ्रेम क्वेश्चन का आपको यूज करना है, जिसमें फ्रेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया है कि यस आई टुक योर बुक डिड से आपको स्टार्ट करना है। और सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है एड क्वेश्चन यानी टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो इसमें जो सेंटेंस दिया गया है इसका टैग क्वेश्चन बनाना है आपको। ए हैंग्री चाइल्ड वाज क्राइंग, ए हैंग्री चाइल्ड वाज क्राइंग। ओके, और उसके बाद में है प्यारे बच्चों सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो प्यारे बच्चों ये आपके बुक से पैसेज लिया गया है और ये बुक का पैसेज है, इस पैसेज को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पैसेज से जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर है वो आराम से दे सकते हैं। यानी अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। ओके, तो कंप्लीट जो पैसेज है ये आपको अच्छे से पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच एनिमल वुड द नेचर लाइक टू कीप। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में है आपके डॉग, बी ऑप्शन में है आपके ऑटर, सी ऑप्शन में आपके लायन और डी में है आपके काऊ। यानी चार ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज और द राइटर मींस, तो ए ऑप्शन में दे रखा है इन ग्रेट नंबर, और बी ऑप्शन में है वेरी फ्यू, और सी ऑप्शन में है कैन नॉट बी फाउंड, और डी ऑप्शन में है नथिंग। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि वेयर वाज द कंसल्ट जनरल, तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है इन बासरा, और बी ऑप्शन में इन लंदन, और सी ऑप्शन में इन दिल्ली, और डी ऑप्शन में इन पेरिस। तो चार ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल टू साउथर्न इराक, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि व्हाट डिड द राइटर विश टू टेम, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू, यानी सिमिलर वर्ड आपको लिखना है और जो आपको दिया गया है यहाँ पर कन्वेनमेंट। ओके, यानी CONVENIENT। ओके, और उसके बाद में अथवा में आपको एक पैसेज और दिया गया है कि she looked to see who had spoken, it was an elderly man who had honestly been concerned for her but she was enjoyed by his attention। और उसके बाद में पैसेज कंप्लीट आप देख सकते हैं, यानी पहले आपको इस पैसेज को प्यारे बच्चों कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पैसेज आप देख सकते हैं, और इस पैसेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपके प्यारे बच्चों कि दिस ए वेरी ग्रो अप मैडम, ग्रो अप मैडम रिफर्ड टू, तो ए ऑप्शन में है आपके कंडक्टर, बी ऑप्शन में है आपके ओल्ड लेडी, और सी ऑप्शन में है द यंग वुमेन, और डी ऑप्शन में है आपके वेली। यानी चार ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में है सेकंड कि हाउ मच डिड सी पे टू द कंडक्टर, तो ए ऑप्शन में है 30 पैसे, और बी ऑप्शन में है 35 पैसे, और सी ऑप्शन में है 40 पैसे, और डी ऑप्शन में है आपके 45 पैसे। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि वेली टू ज्वाइन इन द,
तो ए ऑप्शन में है लेटर और बी में है एंगर, सी में है आपके सैडनेस और डी ऑप्शन में है आपके वीपिंग। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चार है आपके कि हाउ डिड सी रिएक्ट अवर द कंकर्न ऑफ द एल्डरली मैन, और क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके कि व्हाट डिड वेली से टू द कंडक्टर इन एंगर, और क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू एंग्री, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, जिसमें यानी तीन क्वेश्चन आपको इसमें तीन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। इसमें टोटल आपको चार क्वेश्चन दिए हैं प्यारे बच्चों, आपको केवल तीन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। जो क्वेश्चन आप सही से बना सकते हैं वो आप लिख सकते हैं और आंसर है वो आपको 20 से 30 वर्ड में बनाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कुर्ग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकेंड है आपके कि व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मिजबिल द ऑटर इस चैप्टर का क्वेश्चन है आपके। और क्वेश्चन नंबर तीन है आपके कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, और ये आपके कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, ए लेटर टू गॉड। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर चार कि ड्रा ए करेक्टर ऑफ चुंबकोव, यानी चुंबकोव है उसका आपको चरित्र चित्रण करना है, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में 80 शब्द में आपको आंसर है उत्तर है वो लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस हैज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और सेकेंड है आपके कि व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मैन, और ये मेन और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूं, दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि ड्रा ए करेक्टर ऑफ लोमोव, इसमें आपको लोमोव का करेक्टर लिखना है, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रपोजल वाले का। और सेकेंड है आपके कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द सर्मन ऑफ बनारस। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15 कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो देखिए ये दो पोइम दी गई हैं, दोनों पोइम में दो-दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो एक आपको करना है। तो ये आपके कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, और इसमें दो क्वेश्चन है कि हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन द केज एट नाइट, और सेकंड है आपके इमेजिन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस व्हाट डज ए टाइगर थिंक एट नाइट अबाउट हिमसेल्फ, और अथवा में दिया है आपको कि नो यूज टू स्टे एंड नो यूज टू से देयर आर अदर बाल्स एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप वे और फिक्स द बॉय। ओके, तो ये चार लाइन दी गई है, पोइम दी गई है आपको, और पहले अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाई डज द पोइट से दैट देयर इज नो यूज टू टेल द बॉय अबाउट अदर बॉल्स, और सेकंड है आपकी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय अकॉर्डिंग टू द अबव लाइंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके आंसर एनी टू, यानी दो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं आउट ऑफ थ्री फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और इन अबाउट 20 यानी 20 शब्द में आपको आंसर लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल वाला जो अध्याय है उससे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि व्हाई आर
ऑल दीज एनिमल मेंटेनोइड इन द पोइम कॉल द बीस्ट ऑफ प्रे। ओके, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द ट्रीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर एनी वन, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है आउट ऑफ टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन अबाउट 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द दीप आवर टू द पुलिस, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन? द दीप्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी। सेकंड है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द नेकलेस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आंसर एनी टू आउट ऑफ थ्री फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और केवल दो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं आपको। आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ ट्रिकी फॉर हिज सफरिंग, और ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा है हाउ डज ओसेबल से ही गॉट इन, और ये द मिडनाइट विजिटर इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 चूज द करेक्ट आंसर, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि फाइनली हु डिसाइड्स नॉट नॉट टू इन्वेड द अर्थ, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसमें ए ऑप्शन में ओमेगा, बी में आपके थिंक थैंक, और सी में नूडल, और डी में आपके लोटा। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। सेकंड है आपके हु केम टू मेरी भोली, भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में विशंबर नाथ, बी में आपके प्रेम चोपड़ा, सी में दीनानाथ, और डी में आपके प्रेम नाथ। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, और ये द मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में पिस्टल, बी में फ्लावर, और सी में ए बुक, और डी में डॉक्टर्स रिपोर्ट। यानी चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर प्यारे बच्चों आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मार्च इंग्लिश के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़ कर आओगे। 7 मार्च इंग्लिश के पेपर में आप तहलका मचाकर आओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है।